गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल का जो अगला सीरीज है हम लोगों का, इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल, समझ में आ रहा ना, ईआई या फिर आईक्यू। देखिए, ये लगभग आपका हम लोग पढ़ा चुके हैं। अभी हम लोग कहाँ पे पहुँच चुके हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, समझ में आ रहा ना। चलिए, सारा स्किल्स जो सबसे पहली बात है, सबसे पहला जो सॉफ्ट स्किल्स बात किए थे उसी में सारा आ जाता है। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा हल्का मतलब हम लोग सेपरेट कर करके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऊपर और नीचे का बता रहे हैं। बीच में तो सारे स्किल्स के लिए आपको एक ही वर्ड डालना है, चाहे किसी भी तरीके का स्किल्स हो। तो इसमें देखिए, इंट्रोडक्शन में यदि हम आते हैं तो डेफिनेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको ई आई मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, समझ में आ रहा ना। ऑफेंस एब्रिब्रिएट मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ई आई, है ना, और EQ इमोशनल कोशेंट इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड इन्फ्लुएंस वंस इमोशन एंड द इमोशन ऑफ अदर। मतलब ये है ना कि इमोशनल इंटेलिजेंस दूसरे के इमोशन को समझना और अपने इमोशन को व्यक्त करना ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है, समझ में आ रहा ना। द इमोशन ऑफ द अदर, ये हो गया। इट इन्वॉल्व्स बीइंग्स अवेयर हाउ टू इमोशन इफेक्ट बिहेवियर, रिलेशनशिप एंड डिसीजन मेकिंग्स, समझ में आ रहा ना। इमोशंस आपके बिहेवियर को दर्शाता है और डिसीजन मेकिंग में कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्लियर है। तो ये भी एक तरह का स्किल ही है, समझ में आ रहा ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल में इसमें क्या था, पर्सनल डेवलपमेंट। हाई इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट टू बेटर सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। ये क्या है, जो क्या बोलते हैं, पर्सनल ग्रोथ करवाने में इमोशंस का काफ़ी योगदान है। फिर इंटरपर्सनल रिलेशंस, देखिए बार बार आपके पास ईआई आएगा, इसका मतलब आप समझना है। इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बाय इम्प्रूविंग कम्युनिकेशंस, इम्पैथी, बातचीत करना सहानुभूति के तरीके से, इमोशनल तरीके से आप किसी और को कनेक्ट कर पाइएगा, समझ में आ रहा ना, वही यहाँ पे बताना चाहता है। प्रोफेशनल सक्सेस में इमोशनल इंटेलिजेंस का वर्क प्लेस में है ना, कि कैसे एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकें, अपने बातों को समझा पाएँ, दूसरे के मनोभाव को समझने का कोशिश करने का होता है स्टूडेंट्स, क्या क्लियर है ना। मेंटल वेलबींग्स, इंडिविजुअल्स विद अ हाई ईआई आर बेटर इक्विप्ड टू मैनेज स्ट्रेस, एंजाइटी एंड अदर इमोशंस। देखिए, ये आपको स्ट्रेस एंजाइटी से बचाने का कोशिश करता है कि आप सेल्फ कितना मोटिवेटेड हैं, अपने माइंड को आप कितने कैसे आप स्थिर रखें, ये आता है स्टूडेंट्स। और बाकी कुछ है नहीं। कोर कंपोनेंट में सेल्फ अवेयरनेस आता है, इम्पॉर्टेंस आता है, डेवलपमेंट टिप्स, रेगुलर सेल्फ रिफ्लेक्शन और जनरलाइजिंग्स, सीकिंग फीडबैक फ्रॉम अदर्स। तो ये सबसे क्या होता है ना कि आप अपने इमोशनल स्किल को डेवलप कर सकते हैं। लगभग सेल्फ रेगुलेशंस, ये वही चीज़ है। मोटिवेशंस, ये बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन इज द कॉन्टेस्ट ऑफ ईआई रेफर्स टू बींग्स। देखिए, ये एक दूसरे को समझा, मतलब मोटिवेशन क्या होता है ना कि आपको कनेक्ट कर पाता है आपके फ्यूचर के साथ, समझ में आ रहा ना, आपके फ्यूचर के साथ, मतलब आपके इमोशन को कनेक्ट कर पाता है कौन, मोटिवेशंस। उसके बाद आप क्या इनकरेज हो जाते हैं, फिर अपने काम के लिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस, अ मोटिवेशनल इंडिविजुअल इज मोर लाइकली टू ओवरकम्स ऑब्स्टेकल्स, स्टे कमिटेड टू द गोल एंड इंस्पायर अदर, है ना। तो ये क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, आपके अपने गोल तक पहुँचाने में काफ़ी मदद करता है और लोगों को इंस्पायर करने का भी काम करता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट टिक्स टिप्स क्या है, सेट क्लियर अचीवेबल गोल्स, मतलब क्लियर गोल को सेट करो फिर उसको अचीव करो। फोकस इंट्रेंसिंग्स रिवार्ड एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शंस, है ना। यदि आप कुछ कर पा रहे हैं तो खुद
कोई आपको रिवॉर्ड नहीं दे रहा, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। समझ में आ रहा ना? इससे क्या है ना कि आपका इमोशंस और बेहतर बढ़ेगा और बेहतर आप काम करने का कोशिश कीजिएगा। कुछ इसी तरीके से इम्पैथी, सहानुभूति। इम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स टू अदर। दूसरे के फीलिंग्स को समझ करके आप एक बेहतर डिसीजन दे सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं दूसरे का। इम्पॉर्टेंस, इम्पैथी इनहेंस कम्युनिकेशंस, फॉरस्टर्स ट्रस्ट। इम्पैथी क्या करता है? ये ट्रस्ट बिल्ड करवाने का काम करता है, इसी टाइप का है। डेवलपमेंट टिप्स में प्रैक्टिस करना होता है, ट्राई टू सी द सिचुएशंस, है ना, सो द जीनियस। सिचुएशन को देख करके ही आपको अपना इमोशंस को बाहर लाना है, अदरवाइज नहीं। लगभग अब ये तो लगभग सारा वही चीज़ है ना, जो पीछे बताया हमने। क्या बोला कि आगे और पीछे सब सेम रहता है ना। फाइनल क्या कंक्लूजन है ये सब देखिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं, ये वाला इमोशन रेगुलेशन टेक्निक, जो वर्ड नया आएगा उसमें हम बात करेंगे, है ना। तो इसमें से क्या आता है स्टूडेंट्स? डीप ब्रीदिंग, है ना। क्या है? डीप ब्रीदिंग। किसी भी सिचुएशन में आप फंस गए हैं तो सबसे पहले एक लंबा सांस लीजिए, उसके बाद आराम से सोचिए। देखिए, एक मूवी था, मूवी है थ्री इडियट, आप लोग उसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। उसमें बहुत कुछ स्टोरी है, कुछ भी आता है ना। क्या बोलता है? आल इज वेल। क्या बोलता है? आल इज वेल। टेक अ डीप ब्रीथ लीजिए, फिर उस मतलब तुरंत अपना इमोशंस में बहने जाना। अब क्या हो गया, मतलब सोचने समझने का उस, यदि आप तुरंत इमोशन में बह जाते हैं, आपका सोचने समझने का शक्ति खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा ना? तो उसी के लिए बताया डीप ब्रीदिंग। यूज डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू क्लेम योर सेल्फ ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को काम डाउन रखना है, टेक अ डीप ब्रीथ लेना है। कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्टिंग चैलेंजेस एंड रिफ्रेम नेगेटिव थाट्स टू मेंटेन अ बैलेंस इमोशन, है ना। नेगेटिव थाट को बाहर निकालना है, अपने आप को चैलेंज करना है, क्लियर है। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर अ हेल्दी माइंड्स, हेल्दी इमोशंस। मेडिटेशन इज मस्ट नेसेसरी, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। लगभग यही सब चीज़ें, ये तो सब हम लोग सुनते ही हैं। एक्टिव परस्पेक्टिव्स, ये सब हम लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जैसे प्रैक्टिस क्लियर एंड असर्टिव कम्युनिकेशंस। अब क्या है? एक्सप्रेसिंग योर थॉट एंड फीलिंग्स व्हाइल रिस्पेक्टिंग अदर्स। जब दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसके फीलिंग को समझिए, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। लगभग यही सब है, है ना। मेजरिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, ये एक ज़रूरी होता है आज के डेट में, है ना। अपने बच्चों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके आईक्यू लेवल को टेस्ट किया जा सकता है आज के डेट में, और उसी के अकॉर्डिंग उसके आईक्यू लेवल में कुछ कमी हो तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो 360 फीडबैक। फाइनली जो कंक्लूजन है इस पर हम लोग देखते हैं, बाकी बीच का लगभग सब सेम रहता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज क्रिटिकल स्किल दैट इम्पैक्ट एरिया। सिंपल सा, इमोशनल इंटेलिजेंस एक क्रिटिकल स्किल्स है हर एक फील्ड में। समझ में आ रहा ना? किस फील्ड में? कम्युनिकेशन के फील्ड में, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरव्यू, ठीक है, ये सब में क्या होता है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है। कौन? इमोशन। जिससे कि आप दूसरे के इमोशन को समझ करके अपना इमोशन को व्यक्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।